हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बस सिमुलेटर सिटी राइड्स। और गाइस आज एक नए गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। सो गाइस आज के गेम प्ले में हम लोग जो है वो एक न्यू रूट के ऊपर जो है वो बस ड्राइव करने जा रहे हैं, और रूट भी नया है और मैंने बस भी एक न्यू जो है वो परचेज कर ली है। सो अब यहाँ पर हम अपनी एक जो है वो बस असाइन करते हैं एंड लेट्स सी कि कौन सी है वो बस जो कि हम असाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो चुकी है, बट एनीवेज लेट्स सी कि अभी हम ये वाली बस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। सो लेट्स गो एंड आई विल प्रेस नाउ ड्राइव नाउ और लेट्स सी कि कौन सी बस आती है। तो ये गाइस सब मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे लंबा तरीन रूट है जो मैंने अनलॉक किया है इस गेम में, और इतना लंबा रूट है कि अब मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि कहां से ये स्टार्ट होता है, कहां पे जाके ये एंड होता है। ओके सो वी हैव आवर न्यू बस हियर। सो गाइस दिस इज़ द ब्लू बर्ड बस, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की बस है और काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द बस। ओके जी, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी, इसको थोड़ा सा फास्ट फॉर ड्राइव करते हैं। और ये जी हमने दरवाज़े खोल दिए, पैसेंजर्स हमारे आ चुके हैं। तो टिकट चाहिए, वीक और रेगुलर चाहिए। ये नहीं रही जी हमारी टिकट, और अभी हम लोग जो है वो शुरू करते हैं जी अपनी जर्नी। और बस का कलर भी गाइस काफ़ी यूनिक किस्म का है एंड आई रियली लाइक्ड इट। और बस एक ओके सो यहाँ पे आगे जो है वो हमारे ट्रैफिक जैम जो है वो चल रहा है यहाँ पे। सो लेट्स गो एंड अभी ये जो है वो ग्रीन लाइट हो चुकी है यहाँ पे। सो अभी आप लोग देखिएगा कि ये वाला रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, और मुझे वैसे नहीं पता। ओके तो यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट का भी हमने गाइस ओके ये क्या था अभी। सो 60 की स्पीड लिमिट का भी हमने जो है वो अच्छे से ख्याल रखना है, ये नहीं कि अबे हम लोग जो है वो इसको उड़ाते फिरें। अबे यार सो गाइज यहाँ पे आगे चल के एक बस जो गाड़ी वाला है उसने हमारा रास्ता रोक रखा है। अबे यार क्या मुसीबत है यार। अबे क्या कर रहा है, लो जी। तो मुझे नहीं गाइज ये पता ये इसको कैसे टैकल करना था। हारन जो है वो मैंने दिए हैं लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अराइव्ड लेट, लो जी लेट भी होना शुरू हो गए हम लोग। और डे टाइम की इसको स्टूडेंट की टिकट चाहिए। सो भाई जल्दी करना पड़ेगा, अभी हम जो है वो इस स्टॉप पे लेट आ चुके हैं उस गाड़ी वाले की वजह से। दैट इज़ समथिंग रियली रियली डिस्टर्बिंग। अच्छा एक मैंने ये नोटिस करी है इस गेम में कि अगर आप एक दफ़ा कोई मिस्टेक कर लो और उसके ऊपर जो है वो आप फिर थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना शुरू कर दो तो फिर आपसे और भी जो है वो मिस्टेक्स होना शुरू जो है वो हो जाती हैं। सो इफ़ यू कीप काम तो आप लोग जो है वो अगर आप ज़रा ठंडे रहते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते कि चलो कोई बात नहीं एक आध मिस्टेक होगी, सो यू कैन रिकवर द मोर अपकमिंग मिस्टेक जो आप बाद में करोगे। तो यहाँ पे इसको भी टिकट चाहिए, डे का स्टूडेंट टिकट चाहिए। अभी कितने के स्टूडेंट हैं यहाँ पे इस रूट के ऊपर। चलें जी दरवाज़ा बंद करते हैं और हम लोग जो है वो निकलते हैं यहाँ से। तो इंडिकेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके अगेन देयर इज़ अ रेड लाइट अप अहेड, और ये अभी तक ग्रीन नहीं हुई, सो दैट मीन्स वी नीड टू स्टॉप हेयर। और हमें यहाँ पर बिल्कुल सीधा ही जाना। तो ये हो चुकी है जी रेड से ग्रीन। अभी हम चलते हैं जी यहाँ पे और लेट्स सी कि अगला स्टॉप हमारा जो है वो किधर है। सो आई थॉट कि ये एक सीरीज ही चलेगी कि भाई सारे स्टॉप अभी हम लेट ही पिक करेंगे, बट नोप अगले स्टॉप जो है वो हमने मैनेज कर लिए थे। सो अगले स्टॉप्स के ऊपर हम लोग जो है वो सही टाइम पे पहुँच रहे हैं। ओके सो ये प्रॉबली बस स्टॉप हमने जो मिस कर दिया है, यहाँ पर था ही नहीं मेरे ख्याल से बस स्टॉप। चलो नहीं था तो अच्छी बात है। अच्छा जी यहाँ पे अभी हम जो है वो इसको हाँ कैमरा एंगल जो है वो चेंज कर लेते हैं जी। और ये मुझे बेसिकली है ना कंट्रोलर के ऊपर से नहीं करना आता, तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है ना इस बस का थोड़ा सा
इंटीरियर भी दिखा दो। सो आई गेस इट्स दिस बस हैज़ अ वेरी गुड इंटीरियर, काफ़ी सिंपल और नीट क्लीन सही है इंटीरियर इसका, तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इंटीरियर नहीं है। चलें जी, बहुत हो गया इंटीरियर, अभी हम चलते हैं जी अपने वापस एक्सटीरियर व्यू में या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में। और अभी आप देखोगे कि ये वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा रूट है, तो इसको भी हम कंप्लीट करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट जो है वो उसको मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हियर वी गो, केयरफुली, यहाँ पे गाड़ी वाले को ना टक्कर लग जाए कहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जब आप नीचे उतर रहे होते हैं चढ़ाइयों से तो अक्सर ही जो है, वैसे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली यहाँ पे स्पीड कैमराज जो है वो कहाँ पे लगे होते, मेरे ख्याल से वो कहीं पे भी डिटेक्ट कर। आ भाई ये देखो, यू नेम इट एंड वी हैव इट, तो नाम ही लिया और हमारे हमें जो है वो फाइन लग भी गया। सो दैट वाज रियली बैड। वैसे मेरे ख्याल से शायद इस गेम में ऑप्शन था स्पीड लिमिट के अंदर जो है ड्राइव करने का, सो मेरे ख्याल से अभी मुझे वो ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि यार इसको ना स्पीड को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हो तो फिर हाथ कभी कभी, ये फिर एक गाड़ी वाला आ गया है जी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको जो है वो चले, शुक्र है जी जान छोड़ गया इस दफ़ा जल्दी। मेरे को तो यही समझ नहीं आती कि लोग जो है वो यू अराइव्ड लेट, वाओ। सो मेरे को यही समझ नहीं आती कि लोग मतलब गाड़ियां ऐसे खड़ी क्यों कर देते हैं यहाँ पे। चले कोई बात नहीं, अगेन, तो ये वैसे भी काफ़ी लंबा रूट है, तो इसमें इस तरह के बड़े बड़े रूट पे छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो होती रहती हैं। लो जी एक और स्पीड फाइन आई गेस, और वट द हेल, यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर गलत दे दिया मैंने यार। चलें जी सिंगल और सीनियर, ये रही जी टिकट, और अभी हमारा ये नेक्स्ट स्टॉप जो है वो जी हमारा लास्ट स्टॉप होने वाला है इस रूट का। इस बस के जो है ना टायर्स मुझे कुछ अजीब से लगे हैं, रेड रेड से बड़े अजीब से लग रहे थे, तो ये एक है इसकी थोड़ी सी, आप इसको यूनिक चीज़ भी कह सकते हैं, मुझे तो ये थोड़ी सी वेर्ड लगे हैं इसके, रेड रेड को इतने अच्छे लगे नहीं हैं। चलें जी, ये था जी हमारा फाइनल स्टॉप, और इसके बाद जो है वो हमला ये वाला रूट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड हियर वी गो। सो ये हमारा गाइस सबसे लंबा, सो फार सबसे लंबे वाला जो है वो रूट कंप्लीट हो गया। काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई मेरे से, आई नो, और बट एनीवेज दिस इज़ हाउ इट इज़। सो ये वाला रूट था, कौन कौन ये वाला रूट अनलॉक कर चुका है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।